दोस्तों YouTube के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका यूनिट नंबर 3 रिटेल बैंकिंग के ऊपर हम वीडियो है ये, ठीक है। पहले वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद कॉपी पे नोट्स बनाएंगे। तो पहला क्या है रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग हम थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, भारत में 100 में से 97-98% का जो ब्रांच रिटेल बैंकिंग ही है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग के कई रूप होते हैं। पहला है रूरल बैंकिंग, दूसरा है सेमी अर्बन बैंकिंग, तीसरा है अर्बन बैंकिंग, चौथा है मेट्रो बैंकिंग, ठीक है। ये सभी जगह अपनी ब्रांचेस खोल के रखा है, ठीक है, क्योंकि ये रिटेल बैंकिंग एक मास है, एक झुंड है, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? इंडिविजुअल आ जाता है और छोटे मोटे व्यापारी आते हैं जिसको स्मॉल बिजनेस मैन बोलते हैं, ठीक है। अब जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ये इधर आ जाते हैं, ठीक है ना, इसे बड़े व्यापारी नहीं आते हैं, हमसे याद रखिएगा। अब आते हैं कि रिटेल बैंकिंग इनको हर तरह की सर्विसेज देता है, जैसे कि डिपॉजिट्स का और लोन्स का, ठीक है। यहाँ वही बता रहे, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और लोन प्रोडक्ट्स, दो तरह के प्रोडक्ट्स है। पहला ये डिपॉजिट प्रोडक्ट्स क्या क्या देता है बैंक, जैसे हो गया सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा हो गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा हो गया करंट डिपॉजिट अकाउंट, चौथा हो गया टर्म डिपॉजिट अकाउंट, पांचवा हो गया जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर सैलरीड पर्सन, फिर बीएसबीडीए यानी बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया और सीनियर सिटीजन अकाउंट डिपॉजिट हो गया। इसमें ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके इसमें समझाऊं, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है महीने महीने आप जो पैसा जमा करते हैं, बाकी इसमें कुछ है कुछ नहीं है। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो फिक्स डिपॉजिट किया उसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। लोन प्रोडक्ट्स में आइए, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया। कंज्यूमर लोन वो लोन होता है जहां पे कोई सामान खरीदने के लिए पैसा देते हैं, उदाहरण के लैपटॉप खरीदना है तो लोन आप दे देंगे, एयर कंडीशन खरीदना उसके लिए आप लोन दे देंगे, ठीक है। फिर आइए उसके बाद होता है आपको पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हो गया जैसे आपको खुद अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए, जैसे हो गया कि शादी ब्याह कराना है किसी का, बच्चे का पढ़ाई, उसके बाद होता है कि मान लीजिए घर का कुछ टूट फूट गया उसको मरम्मत कराना है, या लोग पर्सनल लोन एजुकेशन के लिए भी लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन अलग सा है, ठीक है, कि एजुकेशन के लिए आप लेंगे। ट्रेड रिलेटेड लोन हो गया कि जो ट्रेड से संबंधित यानी बिजनेस करने के लिए आप जो लोन लेते हैं। फिर एक क्रॉप लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश ट्रेड बोलिए या सीसी अकाउंट बोलिए या फिर वर्किंग कैपिटल बोलिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। उसमें क्या होता है सीसी में कि आप डेली पैसा जमा, आपको एक लिमिट सैंक्शन होता है, उस लिमिट में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। जितना पैसा आप निकाल के रखेंगे उतना ही पैसे का आपको इंटरेस्ट गिरेगा। अब आइए रिटेल सर्विसेज में। रिटेल सर्विसेज दो प्रकार, यहाँ रिटेल सर्विसेज कई है, जैसे हो गया सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, जो लॉकर्स बैंक में रहता है उसमें, उसके लिए आप वहां पे बैंक से रिक्वेस्ट करके सर्विस आप ले सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको फीस पे करना होता है एनुअली बेसिस। फिर डिपॉजिटरी सर्विस हो जाएगा, बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस मतलब जो बैंक इंश्योरेंस बेचती है। अब आइए होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग उस तरह का बैंकिंग को बोलते हैं जहां पे हम इंडस्ट्रीज के साथ बात करते हैं या बिजनेस एंटिटीज के साथ बात करते हैं। ज्यादातर वो बिजनेस एंटिटीज होती है जो कि कॉर्पोरेट हाउसेज होती है या फिर ट्रेडिंग हाउसेज होती है, जिसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, एमएनसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का एग्जांपल ले लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सॉरी यस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं इसका क्या नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए, डाबर ले लीजिए आप, टाइटन ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, मारुति सुजुकी का ले लीजिए, बहुत सारी कंपनी, इंडियन ऑयल, एओएनजीसी, एनटीपीसी, सरकारी कंपनीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होलसेल बैंकिंग उनके साथ डील करता है जो कॉर्पोरेट होती है, बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज होती है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है कि मान लीजिए छोटे छोटे ब्रांचेज जो आपको मैंने बताया रिटेल बैंकिंग में, वहां पर इनका काम बनेगा नहीं, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में लोन क्या देंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, ठीक है। पर इनको चाहिए कितना, 40,000 करोड़ रुपए। कहां से देगा 40,000 करोड़ रुपए, उसकी लेवल ही नहीं है। जो एजीएम का ब्रांच होता है जिसको स्केल 5 बोलते हैं, रिटेल बैंकिंग मैक्सिमम स्केल 5 तक ही होता है, कहीं कहीं स्केल 6 भी है, तो यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपए तक का इसके पास पैसा होता है, जिसमें डिपॉजिट्स भी आ गए, एडवांसेज भी आ गए। वो भाई 1,500 करोड़ रुपए कहां से देगा, उसको चाहिए कितना, 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं हो सकता है। उसके लिए एक अलग सा ही ब्रांच है, ये अलग से बैंकिंग है जिसका नाम है होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब उतना बड़ा आदमी है, मान लेते हैं कि उस ब्रांच से मिल भी जाए, उतना बड़ा आदमी तो लाइन में लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो लाइन में लगवाता है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए टीसीएस, टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, 6.5 लाख या 7 लाख करोड़ की कंपनी है, वो 7 लाख करोड़, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एसबीआई भी नहीं है, एसबीआई की खुद की 3 लाख करोड़ की कंपनी है, जबकि वो जो है मैंने आपको टीसीएस की बात बताई, 7 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अब ये सोचिए कि भाई उसको पैसा चाहिए, तो वो छोटा सा ब्रांच पूरा नहीं कर पाएगा, उसके लिए डेडिकेटेड ब्रांच होती है, ठीक है।
अब आइए होलसेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में आइए। तो पहला हो गया फंड बेस्ड सर्विसेज, जिसमें हो गया टर्म लोन या टर्म लेंडिंग बोलते हैं। फिर हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस, छोटे समय के लिए पैसे आप देते हैं। फिर हो गया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब पैसा जमा किया निकाला, जिसको जस्ट लाइक कैश पेड बोलते हैं। फिर हो गया बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब है कि बिल प्रेजेंट करेंगे और आपको पैसा मिलेगा। फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, स्ट्रक्चर फाइनेंस का मतलब है कि फाइनेंसिंग आपको एक शेड्यूल वे में एक टाइमिंग पे किया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब है कि फॉरेन बिजनेस करने के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। फिर है आपका नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में आ जाएगा बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट। ये दोनों क्या होती है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। फिर कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड सर्विस, कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, बिल्स को कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, ठीक है। यानी जब बिल, यहाँ पे पैसा आपको तब मिलेगा जब बिल दिखाएंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में सिंपल सा अंतर है। फंड बेस्ड जिस दिन आपके अकाउंट सैंक्शन होगा उसी दिन पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जबकि नॉन फंड बेस्ड में क्या, जिस दिन सैंक्शन होगा उसी दिन पैसा नहीं आता है। ये जब तक कॉल का मतलब जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक पैसा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको नॉन फंड बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी फंड बेस्ड एक तरीके से, बट नॉन फंड बेस्ड से फंड में कन्वर्ट होता है, वो जब जरूरत होगा तभी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि जब चाहते हो आप ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद आइए वैल्यू एडेड सर्विसेज। अभी हम बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज होता है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, आप जैसे मान लेते, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए ना, मणिपाल है, ठीक है। मणिपाल एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, तो वहां पे अलग से कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, क्योंकि बहुत महंगा कॉलेजेस है वहां पे, और यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, कई हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो अब भाई उतने पैसे आते हैं, तो इसके लिए अलग से कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। चैनल फाइनेंसिंग हो गया, फिर हो गया वेंडर फाइनेंसिंग हो गया। वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब है यहाँ पे कि आप मान लीजिए आपके ने कोई कंपनी खोला है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ले, उसको भी आप लोन एक तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंक की हेल्प से। आरटीजीएस का मतलब हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बेसिकली आरटीजीएस तो आपका रिटेल बैंकिंग में भी होता है और यहाँ भी होता है। ज्यादातर जो आरटीजीएस यूज किया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा यूज किया जाता है, बहुत बड़े फंड्स के लिए, ठीक है, कई करोड़ के लिए। फिर मार्केट, सॉरी कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए बैंकों को फायदा क्या हुआ, उन्होंने कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग खोला या कॉर्पोरेट बैंकिंग किया, तो फायदा सबसे बड़ा यहाँ पे उनको ये दिखता है कि मान लीजिए टीसीएस के साथ एसबीआई ने कोलैबोरेट कर लिया, तो टीसीएस का अकाउंट किसके पास आ गया, एसबीआई के पास आ गया। टीसीएस ये बोलेगा अपने एम्प्लॉइज को कि भाई आप लोग अपना अकाउंट एसबीआई में खुलवा लें। ये मैंडेटरी नहीं होता है, जिसको मर्जी है खुलवाएगा, जिसको मर्जी नहीं खुलवाएगा, ठीक है। पर ये उम्मीद रखता है जब कंपनी बोलती है और कहती है तो लोग मानते हैं। 6 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें से 1 लाख या 2 लाख लोग जरूर टर्न अप करते हैं, तो उतना तो अकाउंट आ गया एसबीआई के पास, ठीक है। अब उससे एसबीआई को क्या फायदा, सैलरी अकाउंट आ गई, बैंक में पैसे कोई जमा करेगा, फिक्स डिपोजिट बैंक को डिपोजिट आ रहा है। फिर बैंक के यहाँ ये फायदा हो गया, कोई लॉकर लेगा, ये भी उसको फायदा हो रहा है, उसकी बैंक की बिजनेस चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लोन चाहिए होगा, कार लोन, होम लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, तो बैंक लोन भी दे रहा है उसको। तो उसको बैंक को चारों दसों उंगली घी में है बैंक एक्चुअली, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं दिया कि उनको घुमा फिरा के रिटेल बैंकिंग अपने आप आ गया। ये सब क्या रिटेल बैंकिंग है भाई, इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील करना रिटेल बैंकिंग होता है। यहाँ पे रिटेल बैंकिंग की ऑटोमेटिकली बिजनेस आ गई कॉर्पोरेट बैंकिंग की हेल्प से। सिंडिकेशन सर्विसेज का मतलब होता है वो सर्विसेज होता है जहां पे ग्रुप ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक साथ मिलकर देती है, ठीक है। फॉरेक्स डेस्क में क्या हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज की बात होती है। मनी मार्केट डेस्क, ये आपका हो गया मनी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जो शेयर मार्केट हो गया उसकी बात हो रही है। फिर डेरिवेटिव डेस्क, अब डेरिवेटिव्स क्या है, ये एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको लोग अलग से पढ़ेंगे, और ये अभी हम लोग उतना पढ़ना है नहीं इसमें। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये सब आपको सीआईबी में पढ़ेंगे, जेआईबी में तो है भी नहीं कुछ। डेरिवेटिव्स में क्या हो गया, स्पॉट, टॉम, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, ये सब डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव्स बेसिकली आपका मनी मार्केट में यूज होता है और आपका फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता है। एम्प्लॉयर्स ट्रस्ट, तो एम्प्लॉयर्स ट्रस्ट भी कंपनी बनाती है ताकि एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम जब जरूरत हो तो पैसा उनको दिया जा सके। कलेक्ट टैक्स कलेक्शन, कंपनी के बिहाफ पर टैक्स भी कलेक्ट करती है, चाहे वो कंपनी के लिए कलेक्ट कर रही हो चाहे उनके कर्मचारी के लिए कलेक्ट कर रही हो। बैंकर्स राइट, बैंकर्स टू राइट और पब्लिक इश्यू का मतलब है कि बैंकर का अपना राइट होता है कि वो पब्लिक इश्यू करवाए, समझ गए बात। इसका क्या मतलब है एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जितने भी कंपनी जो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जाती है, हुई नहीं है, होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पे राइट इश्यू करती है, पब्लिक इश्यू करती है। कैसे क्या होता है इसके लिए पूरा चैप्टर है अलग से, आप पढ़ेंगे। एनईएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। अब आप बोलेंगे नेफ्ट तो रिटेल बैंकिंग भी होता है, यहाँ भी होता है।
नेफ्ट बल्कि यहाँ ज्यादा होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए टीसीएस के अकाउंट एसबीआई में है और बहुत सारे एम्प्लॉय के अकाउंट, मान लीजिए 1 से 2 लाख एम्प्लॉय का अकाउंट मान लेते हैं एसबीआई में, बाकी 4 लाख अकाउंट ऐसे, 4 लाख से 5 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो किसी एसबीआई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, सिंडिकेट बैंक में है, बहुत सारी जगह, या आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में है, तो आप नेफ्ट करेंगे, ठीक है, नेफ्ट हो गया। अब झुंड में होता है नेफ्ट, फिर होता है यहाँ पे ईसीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरिंग सर्विसेज होता है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ईसीएस डेबिट और ईसीएस क्रेडिट, यानी आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया होगा तो उस दिन ईसीएस आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है, कॉर्पोरेट्स भी तो लोन लेते हैं तो उनका अकाउंट कटता है, दूसरे के अकाउंट जमा होता है जहां से लोन लिया। तो आपने ये सारा चीज सुना समझा, अब प्लीज आप कॉपी में सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग हमारे यहाँ जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो कोर्स में आपका प्रॉपर वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, ठीक है, केस स्टडी या फिर न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, 2000 सेट क्वेश्चन बैंक पर पेपर रहेगा, सुपर नोट्स रहेगा और क्विक रिवीजन नोट्स रहेगा। यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज है हमारे यहाँ, एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स है जिसमें अगर आप जेआईबी का प्रिंसिपल्स और लीगल पेपर करते दाम में 600 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग पेपर करते दाम में 800 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पेपर करते दाम में 1500 रुपये। अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो जेआईबी का प्रिंसिपल्स और लीगल का पेपर, जेआईबी का प्रिंसिपल्स या फिर लीगल का पेपर का दाम है 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग पेपर का दाम है 1500 रुपये और जेआईबी का कॉम्बो पैक है 3000 रुपये का। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया seedsinha123@gmail.com।